गंगा तट पर खड़े हुए जग के पालनहार और केवट से कहने लगे हमें कर दो गंगा। क्या करें प्रभु, बोले केवट जल्दी नैया ले आओ। और कब से तुम्हारा इंतजार है, कब से तुम्हारा इंतजार है, अरे जाना हमें भी गंगा पार है। कब से तुम्हारा इंतजार है, जाना हमें भी गंगा पार है। कब से तुम्हारा इंतजार है, जाना हमें भी गंगा पार है। भगवान कहते हैं जल्दी से नैया को ले आओ ना, हमको भी नैया में भी जल्दी से नैया को ले आओ ना, हमको भी नैया में भी जल्दी से नैया को ले आओ ना, हमको भी नैया में भी आओ ना। और कब से तुम्हारा इंतजार है, जाना हमें भी गंगा पार है। तुम्हारा इंतजार है, जाना हमें भी गंगा पार है। लेकिन केवट क्या कहते हैं, केवट मरम जानता है। और कहते हैं केवट, बोले प्रभु मैंने सुना आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों के रस से शिला नारी बन गई, अब की तो लकड़ी के नाम प्रभु। क्या करें केवट, क्या क्या कहते हैं, बंदना है बंदना रामा हो रामा। बोले प्रभु जब तक धुलाना चरणों को ओहो, जब तक धुलाना लू चरणों को हो तब तक करूं नहीं गंगा जी का। Hey!
जब तू भुलाना लुचरिनो भुला ओ तब संग करू नहीं भगवान मुस्कुराने लगे और जानकी जी की ओर देखा, लक्ष्मी जी की ओर देखा, बोली ये जब कछुआ था तब एक अंगूठा चूने की और अब पूरा पाप होने के लिए मरा मरा किया जाए। भगवान ने कहा भाई हम तो तुम्हारे बस में, तुम्हें जो करना कर लीजिए लेकिन हमें गंगा पार कर दीजिए। तो देखिए आज भगवान की अनुमति मिली और केवट उन चरणों में गोते लगा रहा जिनसे गंगा निकली है। क्या कहते जन्मों से आज हो गई कृपा तुम्हारी, हो गई कृपा तुम्हारी, चरणों में जाए बलिहारी के आई अब चरणों में जाए बलिहारी के आई अब प्रभु के चरणों को धुला कर अपनी नैया में बिठाते हैं और आज वो नैया भी धन्य है जिसमें प्रभु बैठे हैं। मां जानकी लक्ष्मण जी और केवट क्या कह रहे हैं प्रभु हो परी कृपा हर परी कृपा परी रघु रैया ने बैठे राम मेरी मैया में परी कृपा परी रघु रैया ने राम मेरी मैया परी कृपा परी रघु रैया ने बैठे राम मेरी मैया ने धीरे धीरे नाव चलाए धीरे धीरे नाव चलाए धीरे धीरे बैठे राम मोरी राम